इतना बड़ा चट्टान यहाँ पे है और यहाँ से वो महिला जो है बहुत नीचे गिरी, यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे वो महिला के हैं और उसे काफ़ी चोट आई। एक महिला इस पेड़ से गिरी है, ये टहनी भी टूटी हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वो फूल तोड़ने के लिए यहाँ पे आई थी, तो यहीं पर ही जो है यहाँ से वो नीचे गिरी। मुझे डर लग रहा है कहीं टूट गया तो नीचे चले जाऊँगे करके, देखते हैं जा पाते हो नहीं जा पाते। हमको बताएगा कहाँ पर है पेड़। ज़्यादा ही थे हैं, आ जाते। तो इतने खतरनाक रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और वो बच्चा जा रहा है आगे से, वही हमको लेके जा रहा है। फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद, इतना घूमने के बाद मिल गए पेड़ कप्फू के। ये हैं फूल और ये है पेड़। वैसे चूखी बोलते हैं, बनने के बाद तो ये चूखी बनता है। ऐसे नींबू है अभी, ये जब ये सन जाता है छिल छुल के तब इसका चूख बनता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आशा खेतवाल, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आशा ब्लॉग्स पे। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से, और आज हूँ मैं जगताना में जो कपकोट ब्लॉक में आता है। और आज यहाँ पे मैं कुछ खास काम के लिए आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल फूलदेही है, तो आज हम लोग आ रखे हैं इतने दूर फूल तोड़ने के लिए, इसी बहाने इस साइड को देखना भी हो जाएगा। और फूल देखते हैं, अभी ब्रांच के फूल यहाँ पे बहुत होते हैं, पर देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में हम इतना अपने गांव से यहाँ तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमें एक भी ब्रांच का पेड़ नहीं मिला रास्ते में। पूरे रास्ते भर देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, अभी देखते हैं अब कितना टाइम के बाद मिलता है, कितना दूर जाना पड़ता है, दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता है कल फूलदेही आने वाली है और अब जा रहे हैं हम फूल तोड़ने के लिए बहुत दूर, और दिखाऊंगी आप लोगों को कितना दूर जा रहे हैं। कम से कम 20-25 किलोमीटर तो होगा हमारे गांव से, जगताना वहां का नाम है, दिखाऊंगी आप लोगों को अभी मैं। और अभी पहुंचे हैं हम लोग कन्यालीकोट के स्कूल में, आप लोगों को दिखा दें। अभी पहुँचे हैं कन्यालीकोट के इंटर कॉलेज कन्यालीकोट स्कूल में, इंटर तक का स्कूल है यहाँ पे। छुट्टी भी होगी शायद, टीचर लोग घर को भी जाने लग गए। अभी पहुंचे हैं जगताना में और यहाँ पर हम लोग रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। यहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है और बारिश भी हो रही है यहाँ। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ढाबा है यहाँ। अभी हैं हम लोग जगताना में और यहाँ पे हमारा चल रहा है नाश्ता, चने और आलू यहाँ पर हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं अब। और अभी फिर जाते हैं थोड़ी देर में फूलों के ढूंढ में, मिलेंगे। अभी पहुंच चुके हैं जगताना लास्ट, जहाँ पे यहाँ पर तक गाड़ियाँ जाते हैं, यहाँ से आगे को रोड नहीं है, वो लोग जा रहे हैं और जिसकी भी गाड़ियाँ हैं यहीं पर ही पार्क कर रखे हैं लोगों ने। और यहाँ पर हमने भी अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और इससे आगे को अब रोड नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो गया है, गाड़ियाँ सब यहीं पर ही लोग खड़े करके रखी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यह है रास्ता स्टार्ट हो गया है, ये लोग जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। अभी पहुंचे हैं हम लोग जगताना के मंदिर में और यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, गांव के बीच में बहुत बड़ा मंदिर है। दिखाती हूँ आप लोगों को मैं पूरा मंदिर कैसा है। ये है मंदिर का गेट, ये है यहाँ का पूरा मंदिर। अभी अब हम लोग ना यहाँ से घर जाने लग गए और रास्ते में दो पेड़ ऐसे मिले हैं नींबू के, जिसमें बहुत ज़्यादा नींबू लगे हैं, क्योंकि अधिकतर जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो नींबू मतलब अभी तक ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी भी बहुत सारे नींबू दिख रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये है पीछे साइड, आप देख सकते हैं नींबू का पेड़। हम मांग रहे हैं इनसे एक दो नींबू और अभी पेड़ में जा रहे हैं और नींबू तोड़ने के लिए। एक एक दाना कैच कर रहे हैं, पेड़ से दे रहे हैं, ये दो दाने। बुबू जी को भी दिखाता हूँ ना मैं तोड़ते हुए, ये देखो तीन दाने और चूक चूक हो गया।
वो कह रहे बस हो गया बल, चार दाने बहुत है। वो कह रहे हैं नींबू मत खाना बल, चूक खाना बल, चूखी कह देते हैं। वैसे चूखी बोलते हैं, बनने के बाद तो ये चूखी बनता है। ऐसे नींबू है अभी, ये जब ये सन जाता है छिल छुल के, तब इसका चूख बनता है। आज तो गजब हो गया। हमने सोचा था यहाँ बुरांश के फूल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ठंडे वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं बुरांश के फूल। तो हम लोग जगताना तक तो आए, उसके बाद यहाँ सभी लोगों से पूछने के बाद पता चला कि मतलब बहुत ज़्यादा आजकल जो है नीचे नीचे जहाँ पहले से होते थे कप्पू के फूल, वहाँ सारे अब नहीं लगे हैं इस बार, बताया उन्होंने। और बहुत दूर मतलब 4 या 5 किलोमीटर चढ़ाई जाके तब जाके लाना पड़ेगा ऐसा बोला, पर अभी टाइम ज़्यादा नहीं था, नहीं तो हम लोग पक्का जाते। अगर सुबह के टाइम पे अगर हम लोग आए होते तो हम लोग पक्का जाते, पर क्या कर रहे हैं अब आज ऐसी। चलो जो भी है, मतलब अच्छा रहा मतलब यहाँ आके भी। ये है जगताना का पूरा गाँव। अब यहाँ पे मौसम ख़राब होने लग गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जब हम आए उससे पहले भी यहाँ पर बारिश स्टार्ट थी और थोड़ी बीच में बंद हुई, तो अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये है यहाँ के घर और ये है यहाँ का पूरा गांव, फैला हुआ गांव है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घर को जाने लग गए हैं और स्कूटी में है, काफ़ी ठंडा हो रहा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश भी स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक चीज़ खासियत है, यहाँ पर मतलब मैंने देखा कि हर घर में मतलब बकरियाँ देखी यहाँ पे, और जिसके पास भी है इतनी सारी बकरियाँ हैं जितनी ये दिख रही हैं। और ये अभी ग्वाला से आने लग गए हैं और ये जंगल गए होंगे, जंगल से बकरियाँ घर आने लगी। और देखो इतने छोटे छोटे बकरियाँ भी जो है जंगल गए हैं ये। तो जैसे हम लोग ना जगताना से नीचे को उडियार यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ पर दो बच्चे मिले हमको ये, और इनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि ऊपर जंगल में है फूल करके, और वाकई में यहाँ से दिख भी रहे हैं ऊपर जंगल में। ऊपर जाते समय हमने कितना देखा पर मिला नहीं हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर जंगल में और फूल लेने आए हैं, तो पक्का लेके जाएंगे क्योंकि कल बच्चे जाएंगे फूल डालने के लिए। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ में मेरे हस्बैंड और निशू के पापा थे और वो गायब हो गए, पता नहीं दिख ही नहीं रहे हैं तब से, पता नहीं कहाँ चले गए। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, देखते हैं। एक तो बारिश भी होने लगी, आप देख सकते हैं ये स्कूटी में इस प्रकार से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ से ना रास्ता है नहीं, पुल भी नहीं है, और कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, तो इसमें से जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, कहीं टूट गया तो। ये देखो बकरी आ रही है और मुझे इतनी डर लग रही थी, बकरी मतलब इतनी फटाफट आ रही है देखो, क्योंकि इन लोगों को आदत होगी ना, लोग नहीं है मतलब बकरी है ये। अब ये आ रहे एक एक करके आओ, ये पुल मुझे लग रहा है टूटने वाला है, ये साइड में ना खराब हो रहा है ये, मतलब डर लग रही है लेकिन ना। आओ आओ फौजी साहब, फौजी साहब। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और मतलब यहाँ से दिख रहे हैं पेड़, काफी दूर है, चढ़ाई है एकदम। पहले अगर पता होता तो हम ऊपर नहीं जाते, यहीं से तोड़ के ले जाते, बहुत ही खतरनाक है चढ़ाई। ये लोग भी जा रहे हैं। हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी हमें फूल नहीं मिल रहे हैं, तो नीचे से एक बच्चा आ रहा है वो हमको बताएगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले फूल तोड़ के आ रहा था, तो ये हमको ले जाएगा अब जहाँ पे पेड़ है, क्योंकि हम लोग 2-3 जगह चले गए हैं इधर उधर, मतलब कि मिल ही नहीं रहा है पेड़ हमको। अपने लिए ला गया? हाँ। कहाँ से लाया? पर से। अच्छा चल ठीक है, फिर यही हमको बताएगा कहाँ पर है पेड़। ज्यादा ही थे। हैं? हाँ। आजा फिर। इतने खतरनाक रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और वो बच्चा जा रहा है आगे से, वही हमको लेके जा रहा है। और अभी फूल का पेड़ भी दिखने लग गया, वो वहाँ पे है आप देख सकते हैं, वो वाला दिख रहा है, दिखने लग गया है। हम लोग इतने दूर आ गए हैं, वो सामने दिख रही है रोड, यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं दो स्कूटी, वहाँ पर रखी है हमने, इतना दूर आ गए हम लोग, अब यहीं पर ही हैं, पहुँचने वाले हैं। वो है पेड़ कप्पू का। फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद, इतना घूमने के बाद मिल गए पेड़ कप्पू के। ये हैं फूल और ये है पेड़,
उतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, मतलब छोटे छोटे लगे हैं। हम लोगों ने सोचा था यहाँ मतलब ठंडा एरिया है तो बहुत ज़्यादा पेड़ फूल मिलेंगे, कपू के पेड़ मिलेंगे। इतना बड़ा बैग लेके आए थे हम लोग, देखो ये अब इतने फूल तो नहीं हो पाएंगे, जितना भी है मतलब खाली हाथ नहीं गए, तो मतलब इतने मिल गए बहुत अच्छी बात है, वो भी हम बहुत दूर आए, क्योंकि ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों को भी हम बोल के आए थे तब। ये है कपू के फूल, देखिए आ रहे हैं बीच में, ये है कपू के फूल, ब्यूटीफुल बुरांस। अभी हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं, एक बैग में तोड़ दिए हैं फूल। अब हम जाएंगे और यहाँ से जाने लग गए अब हम लोग, क्योंकि हो गए हैं इतने, काफ़ी हैं बच्चों के लिए। अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं और अच्छा हो गया, पहले परेशान हो गए थे, अब फूल भी मिल गए और बारिश भी बहुत भयंकर लगने लगी है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, यही वाले पेड़ से जो है सुबह एक महिला इस पेड़ से गिरी है, ये टहनी भी टूटी हुई है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वो फूल तोड़ने के लिए यहाँ पे आई थी, तो यहीं पर ही जो है यहाँ से वो नीचे गिरी, तो अभी हम लोगों को जो है यहाँ के लोगों ने बताया। इतना बड़ा चट्टान यहाँ पे है और यहाँ से वो महिला जो है बहुत नीचे गिरी, यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे वो महिला के हैं और उसे काफ़ी चोट आई है और उसको शायद हॉस्पिटल आज लेके गए हैं। तो जब हम यहाँ फूल तोड़ने के लिए आ रहे थे तो हमें जो है यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक महिला गिरी हुई है सुबह करके। तो मतलब कि फूल तो ये त्यौहार है, मतलब फूल तोड़ना तो इसमें मतलब शुभ माना जाता है, फूलों का ही ये त्यौहार होता है। तो सभी लोगों को मतलब सेफ तरीके से अपना फूल तोड़ना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं तो मतलब अच्छे तरीके से करें। बहुत बड़ा चट्टान वहाँ पे था और उस चट्टान से वो महिला बहुत नीचे, मतलब बहुत नीचे गई है, काफ़ी चोट उनको आई है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में और अब आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मतलब हम लोग बुरांस का फूल तोड़ने के लिए गए थे और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। बाकी अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं घर को और यह है रोड, रोड में हम पहुंच गए हैं स्कूटी के सामने। अब आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखूँगी, बाकी मिलूँगी आप लोगों को मैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।